दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट इस तरीके से चेक पॉइंट पर फंस चुका है तो इसे आपको ओपन करने के लिए कुछ दिन वेट करना होता है। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता रहता है कि अगर हम वेट करेंगे तो कितने दिन वेट करें, या फिर हम अपने अकाउंट को ओपन करें तो हमें क्या क्या करना होगा, हमें ये प्रॉब्लम आखिर क्यों देखने को मिली है हमारे अकाउंट पे, ऐसा हमने क्या कर दिया जिसके वजह से हमारा अकाउंट इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो आपके मन में ये सभी सवाल हैं तो इनका जवाब आपको चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और आपको पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आखिर ये प्रॉब्लम आपको क्यों देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो तीन रीज़न बताए गए हैं जिसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको देखने को मिलेगी ही, देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप अपने अकाउंट को ब्राउज़र चेंज करके अगर लॉगिन करते हो किसी न्यू ब्राउज़र में, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेली आपका अकाउंट इस तरीके से लॉक किया जाता है, बाद में आप यहाँ पे इन स्टेप को कंप्लीट करते हो तो आपका अकाउंट ओपन भी कर दिया जाता है। दूसरा रीज़न बताया गया है कि आपका जो डिवाइस है उसका जो लोकेशन चेंज होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने फ़ोन में डेली अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो और आप किसी दिन न्यू फ़ोन के अंदर या किसी भी ऐसे डिवाइस में लॉगिन कर देते हो, ऐसे लोकेशन पे लॉगिन कर देते हो जहाँ पे आपने लॉगिन नहीं किया है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे आपको रीज़न तो बता दिया है कि आपको क्यों देखने को मिलती है, और भी इसके काफ़ी सारे अलग अलग रीज़न होते हैं जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इसे सॉल्व कैसे करना है, तो इसे सॉल्व करने के दो तीन तरीके होते हैं। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो उसके बाद में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे जो भी ऑप्शन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे अकाउंट पे केवल एक ही ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको जब भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है अप्रूव योर लॉगिन ऑन अनदर फ़ोन और कंप्यूटर, तो आपको इस ऑप्शन से अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या करना है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर आपका अकाउंट इस तरीके से ही आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे और इस ऑप्शन के अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको अपने अकाउंट में 7 से 8 दिन तक लॉगिन नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको 7 से 8 दिन वेट करना है, उसके बाद में आप लॉगिन करते हो तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको 7 से 8 दिन वेट करना है, उसके बाद में आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो अगर आपका रियल अकाउंट होगा, जैसे कि अगर आपका खुद का ही अकाउंट होगा, आपने किसी से भी अकाउंट बाय नहीं किया है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अकाउंट किसी से बाय किया है, ख़रीदा हुआ है, तब आपका अकाउंट ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पे आपको 7 से 8 दिन वेट करना है और ऑटोमेटिक आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा कि कितने दिनों में आपका अकाउंट ओपन होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इसे पर्सनली ओपन करना चाहते हो, खुद से ही ओपन करना चाहते हो, जल्दी ओपन करना चाहते हो, 7 से 8 दिन आपको वेट नहीं करना है, तब आपको देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको उसी डिवाइस को यूज़ करना है जो आपने पहले यूज़ किया है। लेकिन काफ़ी सारे लोग उसी डिवाइस में लॉगिन नहीं कर पाते हैं। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे जो डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है वो आपका नहीं है, आपके किसी फ्रेंड का है या फैमिली मेम्बर का है, और अब आप उस डिवाइस में फिर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो बंदा आपके पास नहीं है, या फिर आप कहीं पर किसी से अपने फ्रेंड से मिलने गए थे, वहाँ पे आपने उसके फ़ोन में लॉगिन किया था, उसके बाद में अब आप उसके फ़ोन में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी रीज़न के कारण आप अपने उसी फ़ोन में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका अकाउंट यहाँ से ओपन नहीं हो पाएगा। तो आपको जो मैंने पहले बताया था कि आपको 7 से 8 दिन वेट करना है अगर आपका रियल अकाउंट है, अगर आपने अकाउंट किसी से बाय किया है, तो यहाँ पे आपको इन स्टेप को फॉलो करना है तो आपका अकाउंट ओपन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो भी डिवाइस आपके पास है अवेलेबल, उसी में आपको लॉगिन करना है और 1 से 2 दिन वेट करना है, आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हो तो राइट वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हो कि ये प्रॉब्लम आपको क्यों देखने को मिलती है, क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। ये वीडियो इन फिर लगा है तो लाइक करें, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।